हेलो एवरीवन, आज गोवा यूनिवर्सिटी पीएचडी नोटिफिकेशन 2022 जारी हो चुका है। अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्या होगा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो गोवा यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसको A+ A ग्रेड दिया गया है नेक के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में ये वैकेंसी बताया गया कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसी हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे जो लिंक मैंने दे दिया है, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके उस लिंक को लिंक के थ्रू जा सकते हैं और देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको बताऊँगी। इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात किया जाए तो 8 मार्च है उससे स्टार्ट हो गया, एप्लीकेशन फिलिंग डेट स्टार्ट हो गया है, और 25 मार्च जो है वो लास्ट एप्लीकेशन फिलिंग डेट है, और 11 to 13 अप्रैल तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो अभी कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं कंडक्ट करा रही है गोवा यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी क्या रहता है कि अगर आपके मास्टर डिग्री में 55% हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, अगर कोई रिजर्वेशन है आपके पास तो 5% से रिडक्शन हो जाएगा, और अगर आपका प्रायर टू 1991 में अगर मास्टर डिग्री क्लियर है और उसमें भी आपका 5% रिडक्शन हो जाएगा। और ये सारे जो भी हैं आप जाके कैसे वो परसेंटेज लेंगे वो आप जाके पढ़ सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो जो कौन एलिजिबल होते हैं, जिनका SC, SIR, UGC नेट, JRF, लेक्चरशिप, सेट, स्लेट, जेस्ट, ये सारा क्लियर है, वो एलिजिबल होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। और अगर आपका दिसंबर 2020 एंड अगस्त 2021 में GU PET जो गोवा यूनिवर्सिटी कराती है क्लियर है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फीस जो है इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बात किया जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 600 फीस है, और अगर आप कोई रिजर्वेशन में है तो 300 है, और पर्सन विद डिसएबिलिटी है तो कोई फीस नहीं है। प्रोसेस कैसे रहेगा कि अगर आपके जो भी मार्क्स हैं, जो भी एग्जामिनेशन दिया है, उसके 70% लिया जाएगा और 30% का आपका इंटरव्यू होगा, और GU PET का ये नॉर्मलाइजेशन होगा जिससे ये फॉर्मूला इसके थ्रू वो आप वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये सारे हैं, एक बार आप सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या हो गया, ये सारे आप रूल्स रेगुलेशंस पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक है, जैसे वेबसाइट का लिंक है, और जो एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कौन से सब्जेक्ट्स में, सारा कुछ मेंशन है, तो आप जाइए और विजिट करके देख लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमेशा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।